शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शिकार हम शेर का करने आए थे, यहाँ हिरनी मिली। हाथ में बंदूक पकड़ने से इंसान शिकारी नहीं बन जाता। मुझे माफ कर दो जोला, तुमने मेरे बड़े भैया की जान ले ली। मंगल। हाँ बाके, काम हो गया? सब काम बिगड़ गया। मेरे वहां पहुंचते ही ज्वाला भी पहुंच गया। उस साये की तरह मेरे पीछे पड़ गया। वो कहां से आता है, कहां रहता उसका है? पता हमें लग चुका है। कहां है उसका अड्डा? अड्डे का पता चल जाता तो मैं कब का उसे फूंक देता। लेकिन हर मंगल को वो दुर्गा माता के मंदिर के पास वाले खंडर में वो बिजली से मिलता है। और आज का दिन मंगल का दिन है। मंगल, आज का ये मिलन ज्वाला की जिंदगी का आखिरी मिलन होगा। क्या सोच रही हो बिजली? कि हम लोग कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? जब तक जिंदगी है। कितनी आसानी से तुमने ही कह दिया। ये नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूं जिस पर लोग उंगलियां उठा सकते हैं, तुम्हारे नाम के ताने दे सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मान भर दो ज्वाला, मैं तुम्हारे भैया की कसम। मान भर दो ज्वाला, मैं तुम्हारे भैया की कसम। मेरी मान भर। मैं फालता हूँ। नहीं, तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम मेरी फिक्र मत कर, जल्दी जा। शिकार हम शेर का करने आए थे, यहाँ हिरनी मिल गई। वाह, मांग भी भर गई। चलो, मांग ज्वाला ने भरी है तो क्या सुहागरात हम मनाएंगे। अरे जाले, हाथ में बंदूक पकड़ने से इंसान शिकारी नहीं बन जाता। और फिर सुहागन शेरनी का शिकार करना हो तो सर पर कफन बांध कर आना पड़ेगा। अबे ओ कमीने, सुहागन का सुहाग तो रावण जैसे ना लूट सके, तू क्या चीज है? शक्ति है मंगल, जो कभी दुर्गा तो कभी काली बनकर तेरे से दुष्टों का नाश करती आएगी। और आज आज वही बिजली बनकर तुझे खत्म कर देगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बिजली, अभी तो तूने सारी उम्र मेरे साथ गुजारनी है। मंगल! भाग कह रहा है, शिकार करने आया था ना गौरा शेर कर ले शिकार। बिजली तुम जाओ यहाँ से। मंगल, ना तो यहाँ भाभी है ना भाभी का गांव, यहाँ कोई बंदिश नहीं। और फिर मुझे मारने की हसरत तुम्हारे दिल में बाकी ना रह जाए, इसलिए मैं तुम्हें दो मौके देता हूं। इसमें दो गोलियां हैं, इसमें अभी तीन गोलियां बाकी हैं। अगर तुम मुझे दो गोलियों से खत्म न कर सके तो मैं तुम्हें एक गोली से मारूंगा। चलाओ गोली। अब इसमें एक ही गोली बाकी है मंगल, जरा संभल कर चलाना, क्योंकि इसके बाद यारों की बारी है। रुक जाओ मंगल, इसमें एक गोली बाकी है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। जा, तू भी क्या याद करेगा, पांच तक गिनता हूं, भाग सकता है तो भाग। भाग! एक, दो,
चार पांच रवि कौन मैं बाकी भैया अब यहां क्या करने आए हो तू कैसा है रे सब कैसे हैं ये अचानक हमारा ख्याल कैसे आ गया अरे भाई को भाई का ख्याल नहीं आएगा तो और किसका आएगा बहुत एहसान किए हैं भैया एक एहसान और कर दो आज के बाद इस गांव में फिर कभी मत आना हम लोग बड़ी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं तू कैसी बातें कर रहा है मैं ठीक कह रहा हूं तुम तो अपने बुरे कारनामे करके यहां से चले गए लेकिन उन कारनामों की परछाइयां आज भी हमारा पीछा कर रही हैं ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर बाबू आज आपको बताने होगा डाकू साहब का क्या रिश्ता है क्या हो गया आप लोग डॉक्टर साहब ये तो हकीम साहब की शराफत है जो तुम्हें इस गवर्नमेंट रहने दिया अरे पर मेरी शराफत का ये मतलब तो नहीं कि डाकुओं की मुखबरी करो उनका साथ दो क्या पागलों की तरह भगते जा रहे हो अरे उच्च कोटि के नीच विचारो सुना तुमने हम सब पागल कुत्ते हैं एक डॉक्टर बाबू समझदार है जो डाकुओं से मिलकर ना जाने क्या गुल खिलाना चाहता है मैं कहता हूँ बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे अगर आइंदा मेरे और मंगल के बीच आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा देखो ज्वाला मैं एक डॉक्टर हूं जिसका काम है जख्मों पे मरहम लगाना मेरे लिए डाकू मंगल हो या ज्वाला दोनों बराबर है इसी जल की वजह से आज तक जिंदा हो डॉक्टर वरना ज्वाला तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता ज्वाला अब भागना मुश्किल है आज बहुत श्रृंगार कर रही हो आज ठाकुर बलबीर सिंह तुम्हें देखने आ रहे हैं हाँ बलबीर सिंह अरे क्या बात है बेटी ये क्या हुआ बेटी तुम्हें बिजली बेशर्म बेहया बता कितने मुकाला करवाया है तूने बता कौन है हरामजादा मौसी मैं अपने लिए तुम्हारी हर गाली सुन सकती हूँ लेकिन अपने पति के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती पति हाँ मैंने शादी कर ली है मैंने ज्वाला से शादी कर ली है ज्वाला से ज्वाला ने दिया है भाभी आज मुन्ना को तुम्हारे पांव छूने का अधिकार भी नहीं
तुम अगर इस अधिकार को समझते तो सारे गांव वालों के सामने मेरा सर ना झुक जाता। ये क्या कह रही हो भाभी? तुम्हारा सर झुकने से पहले तुम्हारे मुन्ने का सर कट नहीं जाएगा? बोलो कौन है वो? तुम्हारा कलंक जो तुमने मासूम बिजली के माथे पर लगा दिया। नहीं भाभी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने बिजली से शादी की। शादी? मैं पूछती हूँ, तुम्हें उससे शादी करने का हक ही क्या था? मांग भरने से पहले ये तो सोच लिया होता कि तुझ जैसे डाकू की सुहागन तो कभी भी विधवा बन सकती है। अरे विधवा की जिंदगी क्या होती है ये मुझसे पूछ मुन्ना। अंधेरे में रहकर दिए की तरह जलना पड़ता है। ना वो खुलकर हंस सकती है, ना छुपकर रो सकती है। खाबों के पंछी के सारे पर कट जाते हैं। खुदासी, खुटन और अकेलेपन का डर जानलेवा हो जाता है मुन्ना। उस बिचारी लड़की ने अभी देखा ही क्या है। नहीं भाभी, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पागल ने मुझे भैया की कसम दे दी। और तुम तो जानती हो भाभी कि भैया की कसम देने पर भैया का मुन्ना कुछ भी कर सकता है। मुन्ना भाभी, अब वो विधवा रहे या सुहागिन, तुम्हारी बहू है। चलो जो उसकी किस्मत। लेकिन मुन्ना, जब दूल्हा दुल्हन को ब्याहता है तो उसे उसके माँ के घर नहीं, सहरा बांधकर अपने घर ले आता है। इसमें इतनी दौलत है मौसी कि तुमने कभी अपनी जिंदगी में सोची ना होगी। ले 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 इसे। कहाँ है बिजली? झाला, झाला। मौसी, वैसे तो हम दोनों ने देवी माँ को साक्षी मानकर मंदिर में शादी की है। आज दूल्हा इसलिए बनकर आया हूँ कि गांव वाले ये ना कहें ज्वाला बिजली को भगा कर ले गया, समझे? चलो बिजली। बिजली मौसी, न जाने कितने दुख और तकलीफ सहकर तुमने मुझे पाला है। मेरे लिए बाप भी तुम हो, माँ भी तुम हो। आज अपनी बेटी को हंसकर विदा नहीं करोगी? पैसों के लिए बेचने वाली मौसी को आज बेटी की जुदाई ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बेटी, बेटा, मेरी बेटी को वो सुख देना जो मैं आज तक नहीं दे सकी। मौसी, आज तुमने मां बन के साबित कर दिया है कि औरत चाहे कैसी भी हो, वो गंगा मैया की तरह पूजनीय होती है। जुग जुग जियो बेटे, भगवान तुम्हें हर मुसीबत से बचाए। जाओ मेरे बच्चों, सदा खुश रहो। जाओ खुश रहो, खुश रहो मेरे बच्चों, जुग जुग जियो। इंस्पेक्टर तुम? हाँ ज्वाला, मैंने सुना था आज तुम्हारी शादी है, सोचा मुबारकबाद दे दूं। लेकिन अकेले नहीं आया हूँ, बारात लेकर आया हूँ। इंस्पेक्टर, आज के दिन मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता, मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं ज्वाला, आज नहीं। दरोगा साहब, दरोगा साहब, दरोगा साहब, मेरे बच्चों को जाने दो। उनके बदले मैं जिंदगी भर जेल की चक्की पीसूंगी। अब जाने दो। अरे अरे नहीं 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 भगवान ने चाहा तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मुन्ना, आज इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भाभी, मुझे डॉक्टर का इस घर में आना पसंद नहीं। लेकिन क्यों मुन्ना, वो तो बहुत अच्छा लड़का है, सारे गांव वाले उसे बहुत प्यार करते हैं। इस डॉक्टर का प्यार गांव वालों तक ही रहे तो अच्छा है, उसका साया तक भी इस घर पे नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डॉक्टर के चेहरे पर भैया का कातिल नजर आने लगे। नहीं मंगल, मैं पहले ही बहुत गिर चुकी हूँ। माता के घर चोरी करके मैं नरक में नहीं जाऊंगी। मंगल हर नहीं को हाँ में बदलवाना जानता है रंभा। मंगल रंभा की जान ले सकता है,
मंगल रंभा के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन अपने नीच इरादे में कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब होगा, दुर्गा पूजा में लोग तुम्हारे नाच में मस्त हो जाएंगे, और महाराजा रघुवीर सिंह के हाथों चढ़ाए हुआ नौलखा हार तो अपने हाथों से चढ़ाओगी। तुम कितने नीच हो मंगल, लोग अपना सब कुछ माता के चरणों में भेंट कर देते हैं। अरे तू मंगल को उपदेश नहीं हार चाहिए रंभा, और हार की चोरी सिर्फ तुम्हारे हाथ होगी। राका छोड़ दे मुझे, दीदी दीदी मीना, दीदी मीना, दीदी मीना मेरी बहन। बहन से इतना प्यार अच्छा नहीं है रंभा। मंगल अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं इस बुलबुल को मार दूंगा। मंगल नहीं, मैं नाचूंगी, मंदिर से हार चुराऊंगी, मेरी बहन को छोड़ दो। मंगल को हार मिलते ही बुलबुल पिंजरे से आजाद कर दी जाएगी। हार भाई, गुरुदेव जी हार। हमें यहाँ जल्दी भाग जाना चाहिए। क्यों? रघुवीर सिंह ने मुझे हाथ चुरा देख लिया, मैंने उसे गोली मार दी। गोली मार दी? मंगल हार दे दे। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म करूं, बता दे बांके कहां है। तुझे बांके चाहिए ना, ये ले बाकी, ये ले। मंगल बता बांके कहां है। मैं मेरे अड्डे पे है। हाँ, और तेरा अड्डा कहां है। ज्वाला इंस्पेक्टर, तुमने मेरे दुश्मन को भगाया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक क्यों गए ज्वाला, चलाओ गोली। नहीं इंस्पेक्टर, अगर तुम्हें मारने से मुझे मेरे भाई का कातिल मिल सकता तो मैं तुम्हें जरूर मार देता। तुम्हारा कानून मेरा दुश्मन है, मैं कानून का दुश्मन नहीं। ये लो देवी मां की अमानत। देवी मां को चढ़ाते वक्त कहना कि तुम्हारा भक्त तुम्हारे दर्शनों के लिए है। खतरे की तो कोई बात नहीं है न रवि। नहीं भाभी, चोटें जरा गहरी हैं, कुछ वक्त तो लगेगा ही, वैसे घबराने की कोई बात नहीं। मैं चलता हूं। ज्वाला 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 मेरे हर रास्ते का कांटा बन गया है,
और उस कादे को मुझे किसी भी कीमत पर निकाल रहे हैं। कौन है? तू? हाँ मंगल, हमेशा की तरह आज मैं तेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। क्या खबर है? अगर तुझे ज्वाला के अड्डे का पता चल जाए तो मंगल उसके अड्डे को शमशान घाट बना देगा। लिली नाम की लड़की उसे बारूद पहुँचाती है और छमिया लिली को मंगल के कदमों में लाख डाल देगी। मंगल, ये काम बहुत जल्द होना चाहिए। डंगो, तुम छमिया के साथ जाओ और याद रखना, लिली को हर कीमत पर मुझ तक जिंदा पहुंचना चाहिए। कौन हो तुम? ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, चुपचाप मेरे साथ चलो लिली। ओह, तो तुम मेरा नाम भी जानती हो? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, मैं तुम्हारी जन्म कुंडली भी जानती हूँ। लेकिन बेबी, शायद तुम ये नहीं जानती कि जब लिली पैदा हुई थी तो तूफान आया था, बड़ी हुई तो भोंचाल और जवान हुई तो नहीं। जंगू, इन बिल्लियों को आपस में चपटने दो, थोड़ा मजा हम भी लेंगे। बारूद तू चाहती है? बोल, उसके अड्डे का पता क्या है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम हरामजादे? बोल, बता दे। अरे बोल कबूतरी, उसका अड्डा कहाँ है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बता दे। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। पता नहीं बताएगी तो जिंदा भी नहीं बचेगी। तुम लोग चाहे मेरी जान से मार डालो तो भी नहीं बताऊंगी। बांधो शरामजादी को, मंगल को भी ये देखना है कि ये दुकान कब तक नहीं खोलती। राजा, चाचा, भाभी, राजा, क्या हुआ? क्या हुआ? चाचा, राजा, बेटे, क्या हो गया भाभी इसको? राजा, क्या हुआ बेटे? चंदा, जगरानी बुला लो जल्दी। नहीं, रुक जाओ, रवि शायद अब तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा, मुझे ही जाना होगा उसके पास। क्या हो रहा है? पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया, ये कुछ बोलता नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। रवि, ले दे के मुझ विधवा के पास, बस यही एक पूंजी बची है, इसे बचा लो, इसे बचा लो रवि। घबराओ नहीं भाभी, घबराओ नहीं, राजा को कुछ नहीं होगा। राजा डॉक्टर के दवाखाने में है, अगर वो वहां मर जाए तो ज्वाला डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़े और मेरा धंधा फिर से चल जाएगा। शुक्र है भगवान का, खतरे की घड़ी टल गई। अब इसे आराम की जरूरत होगी भाभी, रात काफी हो चुकी है भाभी, आज आप हवेली में ही आराम कर लीजिए। चंदा, भाभी को ले जाओ। चलिए भाभी। प्यारे। यस सर। तुम राजा का ख्याल रखो जी, और हाँ, ग्लूकोज खत्म हो तो मुझे बताना। ओके सर। Thank you.
सदा और राजा की डॉक्टर की डिस्पेंसरी में मौत हो गई। डॉक्टर देखो बेटे कौन आया है, तुम्हारा चचा आया है। बेटे तुम्हारा तुम्हारा घोड़ा आया है। बेटे देखो बेटा, एक बार सिर्फ एक बार अपने चचा को देख तो ले। बेटा आंखें खोल, आंखें खोलो बेटा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। और तुम भी कान खोल कर सुन लो डॉक्टर, आज के बाद मैंने तुम्हें इस गांव में देखा तो इस गांव वालों को तुम्हारी लाश मिलेगी। बुरा हुआ मंगल, जे में आता है इन लोगों को नहीं छोड़ा तू। ले गया से भाग जाना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। शाबाश ले ले, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आज मैं बांके के साथ साथ मंगल को भी खत्म कर दूंगा। तो जल्दी चलो सरदार, ऐसा ना हो कि भागे वहां से भाग जाए। रहीम चाचा जी, तुम बिजली का ख्याल रखना। ज्वाला मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं बिजली, मुझे जिंदगी और मौत से लड़ना है। बिजली अगर जिएगी तो तेरे साथ, मरेगी तो तेरे साथ। बिजली को साथ चलने दो सरदार, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है कि मेरी बंदूक बिजली की हिफाजत करेगी। मंगल सिंह, तुम्हारी मौत ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इससे पहले कि तुम्हारा आटा खून की नदी बन जाए, बांके को मेरे हवाले कर दो। Thank you.
मुझे माफ कर दो ज्वाला, मुझे माफ कर दो। हरामजादे, ये उसकी सजा है। पन्ने पर मजबूर किया, ये उसकी सजा है। तुमने मेरे बड़े भैया की जान ले ली, ये उसकी सजा है।